सबसे महत्वपूर्ण बात तो पूरे भारत देश से विद्वान यहां पर पधारे और ऐसी जगह पर अक्षर में जहां पर भगवान का वास है, भगवान का निवास है। मैंने मेरे जीवन में 150 से ज्यादा परिसंवाद अटेंड किया है, भाग लिया है, लेकिन यह परिसंवाद सबसे उत्कृष्ट है, सबसे अच्छा है और विलक्षण है और साधारण भी है। फ्रेंड्स, हियर वी हैव ग्रेट स्कॉलर्स प्रोफेसर एस आर भट्ट, हु इज यू नो Indian Council of Philosophical Research, you know, ex-director, Indian Philosophical Researchers. We have Sushim ji here, who is the program person. Here we have, you know, number of scholars of different disciplines. वर्तमान परिषद की कई विशेषताएं हैं। यह परिषद भाषा वैविध्य, विषय वैविध्य और दार्शनिक प्रदेश वैविध्य से भरी हुई है। जैसे कि भाषाओं में संस्कृत, हिंदी एवं इंग्लिश, विषय वैविध्य में यद्यपि अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन वेदांत की शाखा है, फिर भी अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के साथ व्याकरण, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के साथ साहित्य, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के साथ अन्यान्य वेदांत और न्याय वैशेषिक जैसे अन्य दर्शनों की भी यहाँ चर्चा हुई। इस दर्शन की आज यहाँ जो संगोष्ठी हुई है, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का दूसरे दर्शनांतरों के साथ में जो किस तरह का जो यह डायलॉग है, संवाद है, उस संवाद के विषय में ये जो संगोष्ठी हुई है, बहुत बहुत ही अद्भुत संगोष्ठी है। और आज जो बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वानों ने अत्यंत सारगर्भित, अत्यंत शोध दृष्टि से युक्त जो शोध पत्रों का, अपने वक्तव्यों का यहाँ जो उन्होंने प्रदर्शन किया, प्रत्यक्ष संवाद भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे कि स्वयं भाष्यकार भी इस संवाद में हमारे साथ में प्रत्यक्ष जुड़े हुए रहे हैं। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस संगोष्ठी में आने का, प्रत्यक्ष भाष्यकार के साथ में संवाद करने का और इस अभिनव भाष्य के ऊपर मुझे कुछ न कुछ नया कहने को, एक नई दृष्टि मुझे एक मिली है, इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। अभी आचार्य जी ने ये कहा कि यह अवसर शायद पहली बार मिला है इतिहास में कि भाष्यकार के सामने बैठकर हम उनके भाष्य की चर्चा कर रहे हैं। शायद हमारी नासमझी को शंकराचार्य या रामानुजाचार्य होते तो डांट कर बैठा देते कि बैठो, तुम नहीं समझ पाए हो, लेकिन भद्रेश स्वामी उपस्थित होते हुए भी पूरी करुणा के साथ हम सबकी बात सुन रहे हैं, यह उनकी महानता है। संवाद सत्रम अत्र दिनत्रयात्मकम् आयोजितमस्ति। अत्र प्रायः सर्वे प्रबन्धाः स्वामीनारायण सिद्धान्तम् अनुसृत्य पठिताः सज्जीकृताः। अतः पत्राणां श्रवणेन स्वामीनारायण सिद्धान्तस्य मूलभूत अंशाः सर्वैः इतःपूर्वं येषां एतद्विषये ज्ञानं नासीत् तैः ज्ञातुं शक्यते, अपि च स्वजिज्ञासा अत्र मुक्तं प्रकटितुम् अवकाशः अस्ति। अरणिमथनेन यथा वन्निर्जायते तथा परस्परसंवादेन चर्चया सिद्धान्तज्ञानस्य प्रकाशः जायते इति सर्वैः अनुभूतं, मयापि विशेषतः तदनुभूतमिति अहं कृतकृत्यः इति मन्ये। तो संवाद तभी सार्थक होता है जब उसमें से किसी दर्शन का जन्म। लेकिन मेरी एक यहाँ जिज्ञासा है और वो यह कि मायाधीश दो क्यों स्वीकार किए गए, एक ही से क्या काम नहीं चल सकता था? अच्छा, बीच में आपने ये पूछ दिया था कि ये नियामक दो क्यों हैं, कुछ ऐसा पूछा था? See, there is no possibility of dialogue, possibility of understanding without questioning. So you asked a question and it is also a very pertinent and a very good question, so I like it and I will try my best to answer it. Maybe I don't know whether I will answer correctly or not, but I will try. स्वामीनारायण भगवान ने जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म एक पारिभाषिक अर्थ से पंच तत्व का ग्रहण किया। अब मैं साधना की दृष्टि से आपको बात करना चाहता हूँ। सेव्यो ब्रह्मस्थ देवः,
सेवा तो भगवान स्वामीनारायण की करनी है, ब्रह्मस्थ गुरु में भगवान का निवास है, तो ब्रह्मस्थ देवः सेव्यः ये मुख्य साधना है। वचनामृत है लोया प्रकरण का 12वां। अब सभा भर कर बैठी है, संवाद चल रहा है। देखिए अब स्वामीनारायण भगवान स्वयं उत्तम निर्विकल्प निश्चय की बात करते हैं, जो श्रेष्ठ दशा है, जिसको हम मुक्त दशा कह सकते हैं। उसमें उन्होंने क्या कहा, अष्टावरणे युक्त एवाजे कोटि कोटि ब्रह्मांड ते जे अक्षर ने विषे अणुनिपेठे जणाय छे एवं जे पुरुषोत्तम नारायणनु धाम रूप अक्षर ते रूपे पोते रहो थको पुरुषोत्तमनी उपासना करे तेने उत्तम निर्विकल्प निश्चय कहिए। इस दर्शन में जो कुछ भी प्रतिपादित हुआ है वो वेद से बाह्य नहीं है, उसका सारा आधार वेद है, उपनिषद है। इसीलिए यह उसी कोटि का दर्शन है जिस कोटि के ये सारे दर्शन हैं, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं। प्रमाणैर्युक्तिभि शास्त्र प्रणाल्या सुविचारितम् सिद्धांतोक्ति नवोन्मेषै साधितम् नवदर्शनम् सरस्वती वहत्यद्य। आपने कहा नलुप्ता शास्त्र रूपिणी, विक्षिप्त संग्रहात् क्वापि स्वाप्युक्तस्य उपपादनात् अनुक्त कथनात् क्वापि सफलम् भाष्य योजनम्। और ये ग्रंथ में न ही कश्चन विवाद, कोई भी स्वामी जी के पूरे भाष्य का मैंने अवलोकन किया, कहीं भी श्रुति विरुद्ध एक अक्षर नहीं। यदि हमारा सदाचार है कि श्रुति से अनुकूल जो अर्थ प्रतिपादित है वे मान्य है, श्रुति विधिन्न मान्य है। प्रमुख स्वामी जी के दर्शन हुए यह मेरे लिए बड़ी बात है, और आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ तो शायद उनकी महती कृपा अनुकंपा का परिणाम है। ये जो गोष्ठी का विषय है बड़ा महत्वपूर्ण है, अक्षर पुरुषोत्तम दोनों का इसमें समावेश हो गया है, पर ब्रह्म का भी और पर ब्रह्म से जुड़े हुए अक्षर ब्रह्म है उनका भी, दोनों में अंतर जो है। वैसे शास्त्रों में तो अंतर हुआ है, उपनिषदों में हमको अंतर मिल जाता है, भगवद गीता में बड़ा स्पष्ट इसका अंतर मिलता है, लेकिन इसको परवर्ती आचार्यों ने अपने सामने स्पष्ट रूप से नहीं रखा था। तो यह बहुत बड़ा योगदान जो है भगवान सहजानंद स्वामी जी का रहा है कि उन्होंने जो है इस दोनों के बीच में अंतर किया। और यह इसलिए शंकराचार्य के वेदांत से, रामानुज के वेदांत से, मध्व के या निम्बार्क के सभी से भिन्न है। इस भिन्नता को हमें स्वीकार करना चाहिए। और तत्व पंचक का जो यहाँ का सिद्धांत है, और उस सिद्धांत में पांचों तत्वों की जो व्याख्या है वह अवश्य ही नूतन है, तो उस नूतनता को हमें स्वीकार करना चाहिए। एतेषां चतुर्विधानां तत्त्वानां विचार अस्मिन् उपक्रमे नाम अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनस्य भागग्रन्थे आचार्यपादैः प्रतिपादितम्। एतत् यथा नैयायिकानां तत्र दार्शनिकत्वं तथैव अत्र दार्शनिकत्वम् अस्ति न वा इत्यत् एतत् मनसि निधाय आचार्यैः सम्पूर्णतया तत्र विचारः प्रतिपादितः। अतः एतेषां वचनभूतानां सिद्धान्तानां प्रामाण्ये नात्र कश्चन संदेहः असमाभिः विचारणीयः। नौ धारा में प्रकरण दिया गया है सुधा ग्रंथ में, वो वाक्य को आप पढ़िए। यथा जयंत भट्टस्य न्यायमंजरी काव्य रूपम अस्ति तथैव तथैव अस्मिन् ग्रंथे शास्त्रत्वं प्राप्यते तथा च काव्यत्वं अपि प्राप्यते। ब्रह्म जिज्ञासा इति यत्र द्विवचनान्तो अयं विग्रह वर्तते, ब्रह्म च ब्रह्मणि तयोः इति अत्र लौकिकः विग्रह वर्तते। इदानीम् अत्र यद्यपि अत्र पदार्थभेदः वर्तते, अक्षरं ब्रह्म परं ब्रह्म इति,
पदार्थ भेदः अस्ति तथापि पदसारूप्यात् एकैव शब्दः अवशिष्यते इति शाब्दिक समय सिद्धान्तः वर्तते। हमने पूर्व देखा कि गीता के मूल श्लोकों के अंतर्ग्रंथीय अनुशीलन से यह प्रतीत होता है कि पद धाम स्थान ब्रह्म एवं अक्षर ये सभी शब्द किसी एक अर्थगामी हैं एवं यह सभी शब्द किसी एक देश विशेष का निर्देश करते हैं। Subsequently, the error theory of Akṣara-Puruṣottama Darśana, namely Chit Achit Khyati, is driven by the metaphysical framework. And though it is analogous to Sat Khyati and Anatya Khyati, Chit Achit Khyati seems to offer a novel contribution to Indian epistemology through its underlining metaphysical and soteriological content. Sacha Atma, Madhyama Parimanopi Bhavitum Narahati. Anu, Madhyama Parimanad Yasambhavat. Sacha Atma, Vibhuhu Nityaha Iti. तदर्थं प्राज्ञदृष्ट्या एभिः स्वामिनारायणसिद्धान्त तदपि सत्यं एतदपि सत्यं सगुणम् अक्षरं ब्रह्मापि सत्यं एतदपि सत्यम् इति स्वीकृतम्। उभयस्यापि सत्यत्वं न ऐक्यम् इत्येवं स्वामिनारायणसिद्धान्ते सिद्धान्तः सामाजिकदृष्ट्या आध्यात्मिकदृष्ट्या प्रमाणदृष्ट्या तर्कदृष्ट्या सुष्ठु शोभते। अयं सिद्धान्तः इदमिदानीं प्रकाशितः। सिद्धान्तः आचरणे आसीत्। भद्रेशमहासाधूनां पुस्तके सिद्धान्ते ये ये अंशाः अपेक्षिताः ते सर्वे अंशाः परीक्षिताः। जीवः कीदृशः, परमात्मा कीदृशः, जगत् कीदृशं, बन्धो नाम कः, मोक्षः कः, मोक्षसाधनं किं, प्रमाणविषये यानि यानि प्रमाणानि स्वीकृतानि, तद्विषये चर्चा, सिद्धान्तविषये यानि यानि अपेक्षितानि, ते सर्वे अंशाः अत्र प्रस्थापिताः, नूनं यथा षड्दर्शनं तथा दर्शनस्थाने अभिषेक्तुमर्हति अयम् अपूर्वः कश्चन इदमिदानीं प्रकाशितः सिद्धान्तः। एवं षड्विध तात्पर्य निर्णायक लिंगैः अक्षर ब्रह्म परब्रह्मणोः शास्त्र योनित्व समन्वय अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भाष्ये नैक शास्त्रोद्धरण पुरस्सरं प्रतिपादितः। माय टॉपिक इज अ प्रोफाउंड डायलॉग बिटवीन द प्रस्थान्त्रयी स्वामीनारायण भाष्य एंड द वचनामृत। द वचनामृत इज अ प्रिंसिपल सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ द स्वामीनारायण संप्रदाय delivered by Parabrahma Swaminarayan himself. In particular, we'll examine how the Swaminarayan Siddhant Sudha puts forth the Purva Paksha view that oneness entails existential oneness, meaning Swarupa Ekya, and then establishes the Siddhant Paksha that says that oneness entails qualitative oneness or Guna Ekya, which means cognitive identification with Brahman to such a degree that one attains Brahman's divine virtues, all the while maintaining one's own individuality. The mantra itself, it says there's a body. Within the body, there's Atma. Within the Atma, there's Akshara Brahm. Within Akshara Brahm, there is Parabrahm. This is according to the Swaminarayana Bhashya. It is distinct from what Shankar says, what Ramanujit says. जैसे कुसुमित वृक्ष में सुगंधित पुष्प से जब वृक्ष रहा होगा उसके पास सभी जब आकर्षित होते हैं ऐसे ही ये धाम में सभी आकर्षित होकर आते हैं। दोनों आने वाले और उसमें जो भागी होते हैं वो दोनों पूर्व जन्म पुण्य से ही लभ्य होता है। मैंने सोचा था स्वामीनारायण का सिद्धांत ये भक्ति मूवमेंट है, लेकिन ये ग्रंथ को जब मैं पढ़ा तो और जो सिद्धांत समकाल में प्रचलित है उससे किसी बारे में ये कम नहीं है। अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांते सिद्धांतम अधिकृत्य बहवः ग्रंथाः यथा सिद्धांतांतरेषु सन्ति तादृशाः बहवः ग्रन्थाः निश्चप्रचं भविष्यन्ति, अत्र नास्ति संशयः। परन्तु एतादृशी गोष्ठी आवश्यकी, तत्र ICPR सहकारोऽप्यपेक्षितः। देश का कोने कोने में अक्षरधाम सिद्धांत को अधिकृत्य ऐसा गोष्ठी हो तो सबका
ये नूतन सिद्धांत का परिचय हो सकता है। और अंत में जो कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, ये खाली एक बाह्य पवित्र नहीं है, यहाँ सचमुच प्रमुख स्वामी की, भगवान स्वामीनारायण की, स्वामी जीओं की ये जो तपस्या है, उनकी जो साधना है, वो साधना की जो फल, वो फल जैसे संक्रमित होता है यहाँ परिसर में, जब घूमते हैं, जब किसी को मिलते हैं, एक प्रकार अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति होती है जो सचमुच आनंद रूप है। आप इसको समझिए, ये कृति नहीं है, ये आशीर्वाद का फल है।